We have to show that sine inverse 2x square root of 1 minus x square is equal to 2 sine inverse x when x is greater equal to minus 1 by root 2 but less than equal to 1 by root 2. And we have also to prove sine inverse 2x square root of 1 minus x square is equal to 2 cos inverse x if x is greater equal to 1 by root 2 but less than equal to 1. So let's see how we are going to prove the given statement. चलिए शुरू करते हैं. देखिए इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होंगे, तो मैं पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट को शेयर कर रहा हूँ कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें जरूरत पड़ेगा इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए. पहला कॉन्सेप्ट ये है कि इन केस अगर आपके पास एक फंक्शन है वाई इज योर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, तो आपको इस फंक्शन का डोमेन और रेंज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. गिवन फंक्शन का जो डोमेन पार्ट है मतलब एक्स की रेस्ट्रिक्शन होती है, एक्स मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू माइनस वन बट लेस देन इक्वल टू वन. सो दिस इज द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन. और गिवन फंक्शन के रेंज की बात करें जो कि वैल्यू ऑफ वाई है, वाई आपका ग्रेटर इक्वल टू माइनस पाई बाय टू बट लेस देन इक्वल टू पाई बाय टू होता है, मतलब ये इस फंक्शन का डोमेन है और ये इस फंक्शन का रेंज है. एक तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए. दूसरा स्टेटमेंट ये है कि साइन इनवर्स साइन एक्स, ये जो फंक्शन है दिस इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स बट देयर ऑल्सो ए रेस्ट्रिक्शन. यहाँ रेस्ट्रिक्शन ये है कि एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाय टू के बराबर या उससे ज्यादा और पाई बाय टू के बराबर या फिर उससे कम होनी चाहिए. देखिए लेफ्ट साइड में जो ग्राफ मैंने बना के रखा है, बेसिकली दिस इज अ ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स. ये फंक्शन साइन इनवर्स एक्स को मैंने यहाँ पे प्लॉट करके रखा है. अगर आप इस कॉर्नर को चेक करें, ये वाले कॉर्नर को चेक करें, तो इसके कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे 1 कॉमा पाई बाय टू, दैट इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ दिस कॉर्नर. और ये जो लेफ्ट में कॉर्नर है, ये लेफ्ट साइड का जो कॉर्नर है थर्ड कॉर्डिनेट का, इसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस वन कॉमा माइनस पाई बाय टू के. तो आप देख सकते हैं कि डोमेन आपका माइनस वन टू वन है. ये फंक्शन केवल माइनस वन और वन के बिटवीन ही डिफाइन किया गया है और रेंज इसकी है माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू का क्लोज इंटरवल. और एक ये वाला स्टेटमेंट जो मैंने आगे मेंशन किया है. अब देखेंगे आगे कि हम लोग ग्राफ को कैसे यूज करेंगे और इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करेंगे गिवन स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए. तो चलिए अब मैं क्वेश्चन को एक बार नोट कर लेता हूँ. क्वेश्चन मेरे पास है साइन इनवर्स, द क्वेश्चन इज साइन इनवर्स दैट इज 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड पार्ट है और राइट में आप देख सकते हैं कि आपको ये प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x. और साथ में एक रेस्ट्रिक्शन भी गिवन है कि x इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 2 और लेस देन इक्वल टू 1 बाई रूट 2 के, ठीक है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं गिवन फंक्शन में सबसे पहले एक रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ और मैंने x को रिप्लेस किया है साइन थीटा से. अगर मैं एक्स को साइन थीटा से रिप्लेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स आपका माइनस वन बाई रूट टू और वन बाई रूट टू के बिटवीन है. तो मुझे पता करना होगा कि मेरा थीटा किस इंटरवल में लाई करेगा. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं वन बाई रूट टू की बात करूं तो ये कॉर्नर है, दैट इज दिस कॉर्नर इज एक्स इज इक्वल टू वन बाई रूट टू, यहाँ पे कोई एक वैल्यू होगी और माइनस वन बाई रूट टू यहाँ पे कोई एक वैल्यू होगी. और इनके आउटपुट्स की बात करें तो ये लेट अगर एक्स अगर आपका वन बाई रूट टू है तो यहाँ पे आउटपुट आपको मिलेगा 1/√2, π/4. और ये वाला जो आउटपुट है ये आपको मिलेगा -1/√2, -π/4 के. मीन्स हम लोग ये कमेंट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि अगर मेरा डोमेन -1/√2 से 1/√2 के बिटवीन लाई कर रहा है तो इस फंक्शन की रेंज आपको ये मिलेगी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई फोर और मिनिमम वैल्यू आपको मिलने जा रही है -π/4 के. तो चलिए यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, अगर एक्स आपका -1/√2 या उससे ज्यादा 1/√2 या उससे कम है तो अपन थीटा पे क्लेम कर सकते हैं कि जो अपना थीटा है वो आपका ग्रेटर इक्वल टू -π/4 होगा और लेस देन इक्वल टू π/4 होगा. चलिए आगे मूव करें. देखिए जो हमने रिप्लेसमेंट किया था मैं वो रिप्लेसमेंट यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ. तो ये बनेगा साइन इनवर्स साइन साइन इनवर्स 2 sin θ स्क्वायर रूट ऑफ 1 - sin²θ के, ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप में ये बनेगा साइन इनवर्स दैट इज 2 sin θ और स्क्वायर रूट ऑफ cos²θ के, हमने ऐसे भी लिख दिया. अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करें तो ये मॉड ऑफ एक्स के बराबर होता है. मीन्स आप इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स दैट इज 2 sin θ एंड मॉड ऑफ cos θ के. पर क्योंकि आपका जो थीटा है वो आप देख सकते हैं कि -π/4 और π/4 के बिटवीन लाई कर रहा है तो आइदर इट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट और इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. और फोर्थ और फर्स्ट दोनों क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब आप इस मॉड को यूज करें या फिर ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
तो अगले स्टेप में हम लोग इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स टू साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा के. सो नाउ दिस विल बिकम साइन इनवर्स दैट इज साइन टू थीटा. पर आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि साइन इनवर्स साइन टू थीटा को आप टू थीटा से, मतलब अगर मैं इस प्रॉपर्टी को एक बार फिर से शो करूं कि साइन इनवर्स साइन एक्स को आप एक्स केवल तभी लिख सकते हैं जब एक्स आपका -π/2 और π/2 के बिटवीन लाई करता हो. मतलब उसका जो इनपुट है वो मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो -π/2 के बिटवीन है या नहीं है, मतलब -π/2 और π/2 के बिटवीन ये लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है. अब इसके लिए हमें ये वाली स्टेटमेंट को यूज करना पड़ेगा. जैसा कि आप जानते हैं कि थीटा आपका -π/4 और π/4 के बिटवीन लाई कर रहा है, लेकिन मुझे पता करना है कि टू थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा. इसके लिए मैंने पूरी इक्वेशन में टू से मल्टीप्लाई कर दिया. इन केस अगर मैं इसमें टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा -π/2 एंड नाउ दिस इज π/2. और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि साइन वर्स साइन एक्स एक्स के इक्वल होता है अगर एक्स आपका -π/2 और π/2 के बिटवीन लाई करता है. तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी आपका जो टू थीटा है वो -π/2 और π/2 के बिटवीन लाई कर रहा है. मीन्स हम लोग इसे रिप्लेस कर सकते हैं टू टाइम्स ऑफ थीटा से. अब बात करते हैं वेयर इज थीटा. तो यहां से आप थीटा पे कमेंट कर सकते हैं कि थीटा इज योर साइन इनवर्स एक्स के. अब ये वैल्यू अगर मैं फाइनल स्टेटमेंट में यूज करूं तो आप ये लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन टू थीटा, ये आपका टू थीटा आ रहा है और थीटा को हम लोग एक्स के टर्म में रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा टू साइन इनवर्स एक्स के. सो द फाइनल स्टेटमेंट इज साइन इनवर्स टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² इज योर टू साइन इनवर्स एक्स के व्हेन एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू -1/√2 बट लेस देन इक्वल टू 1/√2.